कालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। हर तालिका तीज हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व भद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है। हर तालिका तीज का महत्व बहुत ही खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाओं 16 सिंगार करके निर्जला उपवास रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में गौरी, गणेश और भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी करती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इस व्रत को हर तालिका तीज का नाम क्यों पड़ा, इस व्रत की कथा क्या है, आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती माता भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। मान्यताओं के अनुसार पार्वती जी की सखियां उन्हें हरण करके वन ले गई थी, जहां पर वो भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सहेलियों द्वारा माता पार्वती को हरण करने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। आइए जानते हैं हरतालिका व्रत की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पार्वती माता और भगवान शिव के मिलन पर हर साल हरतालिका व्रत मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब माता पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, तब उस समय उन्होंने कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या देखकर उनके पिता दुखी हो गए थे। इधर माता पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए थे। माता पार्वती पर भगवान विष्णु मोहित हो गए और अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए उन्होंने नारद जी को बुलाया और विवाह का प्रस्ताव लेकर पार्वती के पिता के पास भेज दिया। जब नारद जी राजा हिमालय के पास भगवान विष्णु के प्रस्ताव को रखा तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस बात को जब माता पार्वती को बताया तो माता पार्वती दुखी हो गई और वो अपने सखियों के पास चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने दुख बताया तो उनकी सखियों ने उन्हें हरण करके जंगल की ओर चली गई। जंगल में जाकर उनकी सखियों ने उन्हें कठोर तपस्या करने के लिए कहा। सखियों की बात मानकर माता पार्वती उसी समय भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। बहुत ही दिनों के बाद माता पार्वती ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में भगवान शिव की बालू की प्रतिमा बनाई और उनकी विधि विधान से पूजा की। इसके साथ ही वह रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना की। माता पार्वती की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब जाकर माता पार्वती ने उन्हें अपने पति के रूप में मांगा। भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं हर तालिका तीज का व्रत रखती है तो उनके पति की उम्र लंबी होगी, साथ ही सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी।